नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनिया। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, पॉर्चुलका प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे मॉज रोज, मॉर्निंग रोज, 9 o'clock के नाम से भी जाना जाता है। विंटर में तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसे आप अपने गार्डन को कलरफुल लुक दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में ऐसे बहुत ही कम प्लांट होते हैं। आप इस प्लांट को गर्मियों का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी इस प्लांट में फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। इस प्लांट को फुल सनलाइट बहुत पसंद है और ये प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, जिसके कारण आप इसे एक दिन पानी नहीं भी देंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इनकी लीव्स, ये देखिए, ये इनमें पानी भरा हुआ रहता है और ये सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। लेकिन सीड से ग्रो करने में इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप इसे कटिंग से या इनकी नर्सरी से पौध लाकर आसानी से उगा सकते हैं। मैं इस प्लांट की 6-7 पौध लेके आई थी। कम से कम इन्हें एक महीना हुआ है कम से कम, और आप देख ही सकते हैं ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं इसमें। और ये प्लांट कई कलरफुल वैरायटी में आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाइट है, येलो है, और कुछ ऊपर रखे हुए हैं जिन्हें मैं यहाँ पे ला नहीं पाई, रेड है, ऑरेंज है, बहुत सारे कलर वैरायटी में आपको ये मिल जाएंगे। और इनको कटिंग से भी लगाना बहुत आसान होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है। बस आप इनकी, ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर की टिप से तोड़ लीजिए, ये जैसे, ये कुछ, ये मैंने तोड़ ली हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और मैंने एक पॉट में पहले से ही लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसमें होल कर लीजिए, ये, और बस इनमें आप इस तरीके से लगा दें। ये देखिए, आपको इसका रिजल्ट 10 से 15 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और वो कितने बड़े हो गए हैं। ये मैंने इस बड़े से प्लांट के नीचे लगा दिया है और ये देखने में भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए। गार्डन सॉइल में भी आप आसानी से लगा सकते हैं, बस चिकनी मिट्टी ना हो। अगर चिकनी मिट्टी होगी तो उसमें थोड़ा सा सैंड जरूर मिला लें। और अगर इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए। तो गाय की गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, तो आप उसे ले सकते हैं, या ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर का भी यूज कर सकते हैं। और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा फ्लावर आए, तो इसके फ्लावर जो सूख गए हैं, ये देखिए, ये सूखे हुए फ्लावर, इन्हें हटा दीजिए। ऐसा करने से इसमें और भी ज़्यादा फ्लावर आएंगे। ये देखिए, टूट गया, तो मैं इसे होल करके इस तरह लगा दूंगी, ये भी लग जाएगा आसानी से। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।